তার জন্যই তোমার সদস্য আমাদের রাজ্যে সামনে পরিচিত নারীদের ইজ্জতের এখানে সেই চিহ্নে ভোট দিয়ে আজকে ঘরে ঘরে সামনে আছেন। हमें तो ये विश्वास है कि ये सफल नहीं हो पाएगी और आप लोग सब मिलकर इन साजिशों को हराएंगे, ये विश्वास है हमें, क्योंकि ये हराना जरूरी सिर्फ अपने आप के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए है, अपने भविष्य के लिए है। और ये हराने के लिए कल मैं उदयपुर में बता रहा था कि अगर इस तरीके की बातें जो आएगी वहां पर हमारे RSP के जो वामपंथी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको अपने पार्टी के सिंबल पे सिंबल नहीं मिला तो उनको सिंबल मिला है एक क्रिकेट बैट, तो क्रिकेट बैट का सिंबल मिला है। तो हमने बोला कि अगले 5 दिन जितना कोशिश ये लोग सब करेंगे अपनी दादागिरी अपने पैसे ये सब इस्तेमाल करके जो एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक चुनाव को उसको जो है प्रभावित करके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा कि ये क्रिकेट बैट का जो सिंबल है तो याद रखिएगा, एक बार वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक बॉल बचा हुआ था और भारत को जीतने के लिए 4 रन चाहिए और धोनी साहब खेल रहे थे, तो अब इसको क्या करें, मतलब अगर जीतना है तो चौवा तो मारना ही है। तो बोला चौवा मारोगे तो कोई ना कोई रास्ते में पकड़ लेगा, फील्ड कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सबसे सेफ है छक्का मारना। छक्का मारना है तो बोला कि नया किस्म की शॉट को तैयार करना पड़ेगा और नया किस्म की शॉट को तैयार करके उसको नाम बाद में बताया तो निजाम ने, और नाम उसको बताया था कि से और ये बात से शर्म आती। ये है लोगों की हालत, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, आपके देश के अंदर भूख बढ़ रहा है। और इसी अदानी की रक्षा करते हुए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहे क्या 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त अनाज देता हूं, यानी प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज देते हैं। और ये मुफ्त अनाज का योजना बनता है आपके और हमारे से जो टैक्स लेते हैं, अपना पैसा है, लोगों के पैसे को खर्च करके लोगों को मुफ्त अनाज देकर 5 किलो। प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि ये मेरा दान है आपके लिए, मैं दे रहा हूं आपको, यानी अपने ही पैसे को अपने को वापस कर रहे हैं और साथ साथ में इस तरीके की फरेब। और ये काम चलिए किया कितने लोगों को, 80 करोड़। मतलब क्या, अपने देश के अंदर 80 करोड़ लोग हैं जो अगर ये मुफ्त अनाज नहीं मिलता तो वो जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है, 140 में से अगर 80 करोड़ लोग भूखे मरेंगे अगर ये मुफ्त अनाज नहीं मिला तो देश के अंदर भूखमरी बहुत बढ़ चुकी है ना, इसलिए है असलियत। मेहरबानी नहीं है मोदी साहब की कि ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये जरूरी है वरना उनको जिंदा नहीं रख पाएंगे। लेकिन आज तक हो क्या रहा था, इस 80 करोड़ मुफ्त अनाज के साथ साथ हर व्यक्ति को, इसी 80 करोड़ के हर व्यक्ति को बेहद मुनाफा बनाते जा रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। अगर ये काम करना है तो ये इस साल इसका काम का शुरुआत जो है आपके त्रिपुरा से होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, उसका असली मतलब है ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा लेकिन मैं लूटूंगा, मैं लूटूंगा, मैं देश को लूटूंगा, लोगों को लूटूंगा, और कोई मेरे खिलाफ उंगली उठाएगा तो मैं कहूंगा ये देशद्रोही है और इसको पकड़ के जेल में डाल दूंगा। ये है आज की जो रुझान, इसको जो है हमें हराने की जरूरत है। तो इसलिए आज कल मैं आपके उदयपुर में मीटिंग में बोलते हुए कह रहा था कि हमें ये बहुत बड़े घमंड में है, कहते हुए कोई नहीं हो सकता हमें हराने के लिए, अब 5 दिन बाकी है। इसलिए एम्बुलेंस जा रहे थे, हमने कहा कि संकेत अच्छा नहीं है, 5 दिन जो बाकी है इसके अंदर पूरा कोशिश करेंगे, पैसे का प्रभाव
आपके मतलब दादागिरी का प्रभाव यानी मनी पावर और मसल पावर दोनों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे और दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे और वही संतरास के आधार पर खड़ा करके लोगों को डराकर वोट ना डालने की कोशिश जो पहले होती आ रही है जो आपकी अनुभव है उसी को फिर दोबारा लाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे जा नहीं सकते तो चलो हम मतलब बाकी इलाकों में जाते थे यहाँ पे मीटिंग कुछ नहीं की लेकिन यहाँ पे आज आकर आप लोगों को जब देख रहा हूं तो मेरी उत्साह बढ़ रही है कि ना सिर्फ त्रिपुरा में पूरे देश भर में आज भाजपा को हराएंगे भारत बचाएंगे और साथ साथ आज त्रिपुरा बचाएंगे और ये जरूरी है आज किस लिए जरूरी है क्योंकि हर क्षेत्र में त्रिपुरा के बारे में तो आपने सुना बहुत कुछ मैं आऊंगा बाद में उस पर लेकिन पूरे देश के ही अगर हालत देखें आप तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है हमारे संविधान जो अधिकार देता है हम सबको शुरू होता है ये कहते हुए हम भारत के लोग वी द पीपल जो अधिकार हमें जो देता है इन सब अधिकारों को आज कुचला जा रहा है और ये अपने देश की सबसे पहले एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य आज धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं लेकिन एक दादागिरी के रूप में कहते हैं कि सिर्फ वो ही रह सकता है इस देश के अंदर जो हमारी बात मानेगी हमारी का मतलब क्या है हिंदुत्व का बात मानेगा असली उसूल क्या है 25 साल से 30 साल से एक परंपरा रहा है आपके त्रिपुरा में यहाँ पे आदिवासी भी है गैर आदिवासी भी है अल्पसंख्यक है मुसलमान भी है दलित है और ये सब मिलजुल कर यहाँ पर समानता के आधार पर रहते आए क्योंकि बुनियादी उसूल है इंसानियत हम और आप पहचान हमारी यही है कि हम जेल में है यूएपीए के अंदर बेल तो मिलती नहीं है इस कानून में और उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ एक क्रिश्चियन पादरी फादर स्टैन स्वामी वो जेल में ही मर गए यानी आज कोई पत्रकार अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में यानी देशद्रोही का मतलब है मोदी सरकार विरोध में कोई भी एक बात बोलोगे तो तुम देशद्रोही है लेकिन देशद्रोही का काम अगर मोदी सरकार कहते आ रहे तो वो कहेंगे ये देशभक्ति है आज जिस तरीके से हमारे देश की संपत्ति की लूट हो रही कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर निजीकरण नहीं हो रहा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी जो जनता की तरफ है वो जिम्मेदारी से हट रही है शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में बिजली पहुंचाने में पानी पहुंचाने में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है सबकी बिक्री कर रही है और सबका मुनाफा उनके चंद मित्रों के हाथ में जाता है और इस तरीके से जो शोषण जो बढ़ रहा है हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर दलितों के ऊपर आदिवासियों के ऊपर हमारे देश के अंदर इस तरीके से हम सामाजिक शोषण को बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक अन्याय बढ़ रही है और केंद्र की हुकूमत और दादागिरी चलाने के लिए राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं मिलता है यानी चार मुख्य स्तंभ जो हमारे संविधान के हैं धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र आर्थिक संप्रभुता सामाजिक न्याय और केंद्र और राज्यों की एक बुनियादी समानता के संबंध इन चारों को आज कुचला जा रहा है और ये जो लूट मची हुई है इस लूट मचने में आखिरकार सब जो प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं उन दोस्तों की तरक्की होगी आप सभी तो जानते ही हैं एक उनके खास मित्र हैं जिनको उन्होंने 8 हमारे देश के अंदर हवाई अड्डे दे दी 8 कानून था कि किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि वो ठीक ढंग से नहीं चलाएंगे लेकिन 8 इनको मिलते 13 बंदरगाह मिल गया उनको और 13 बंदरगाह के अलावा आज जो है डिफेंस में बंदरगाह माने सी पोर्ट्स जो है
डिफेंस के डिफेंस प्रोडक्शन में उनकी हस्तक्षेप है, सीमेंट में उनकी हस्तक्षेप है, कोयला में दुनिया के सबसे बड़े कोयला के आधार पर बिजली उत्पादन करने वाले वो है, और कोयला ले आकर अपने देश के अंदर उसको बिजली में बदल के बांग्लादेश को बेचना चाहते हैं, श्रीलंका में वहां की बंदरगाह लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार और मोदी साहब खुद बांग्लादेश की सरकार और श्रीलंका की सरकार से बात करते हैं। और इस साहब का पूरा जो दुनिया के कई पीछे 200 के 300 के बीच में जो उनका नंबर था, दुनिया के दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया अदानी साहब, और उसके बारे में जिस तरीके से गलत रास्ते से ये जो अमीर जो हुआ है, उसका पोल जब खुल गया, जब हम मांग करते हैं संसद में हमारे पार्टियां कि एक निष्पक्ष जांच हो,